राफेल पर अनिल विज का बयान, फाइटर जहाजों का सरदार राफेल आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर छिप जाते हैं, उसी तरह ये जब दहाड़ेगा इसकी गर्जना हमारे दुश्मनों से छोटे मोटे हथियार छुप जाएंगे। ये भारत का मान और सम्मान है और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिवसेना द्वारा कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने को गलत बताते कहा कि कोई भी अवैध निर्माण पर चुन चुन कर कार्यवाही नहीं कर सकते, एक कायदा अपनाना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आज राफेल लड़ाकू विमान को विधिवत रूप से भारतीय बेड़े में शामिल करने पर अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए राफेल को फाइटर जहाजों का सरदार करार दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जैसे जंगल में शेर गर्जना से ये जब दहाड़ेगा और उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर छिप जाते हैं, इसी प्रकार से जब हमारा राफेल आसमान में दहाड़ेगा तो दुश्मन के छोटे मोटे हथियार अपने आप छिप जाएंगे। विज ने कहा कि ये भारत का मान और सम्मान है, इसे हासिल करना देश की उपलब्धि है। फाइटर जहाजों का सरदार राफेल आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। जिस प्रकार शेर की गर्जना से सब जानवर छुप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जब दहाड़ेगा इसकी गर्जना से हमारे दुश्मनों के जो छोटे मोटे हथियार वो भी छुप जाया करेंगे। ये भारत का सम्मान है, मान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जहाज को हासिल कर। रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहाँ पर पधार रहे हैं, वही इसका राजतिलक करके इसको रवाना करेंगे। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार द्वारा कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर तोड़े जाने पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि किसी की कंस्ट्रक्शन अवैध भी है तो उसे चुन चुन कर नहीं तोड़ा जा सकता, सरकार को एक कायदा बनाना चाहिए। विज ने सवाल किया कि क्या सरकार ने मुंबई की सारी अवैध कंस्ट्रक्शन पर शिकंजा कसा है, अगर नहीं तो फिर कंगना रनौत की क्यों? क्योंकि कंगना ने सरकार के खिलाफ सच्चाई कही है, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यह कार्यवाही गुंडों की तरह की है। महाराष्ट्र सरकार गुंडे की तरह बिहेव कर रही है। अगर किसी की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो आप चुन चुन कर नहीं तोड़ सकते, आपको कायदा बनाना चाहिए। क्या बॉम्बे की सारी अनऑथराइज एनक्रोचमेंट टूट चुकी है, फिर कंगना रनौत की ही क्यों, किस लिए? क्योंकि उसने तुम्हारी सरकार के खिलाफ सच्चाई कही है, इसलिए सरकार को सरकार की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, गुंडे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।